आ गए तुम? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम वैसे ही लेट हो चुके हैं। आई एम ऑलमोस्ट रेडी। कहाँ जाना है? क्या मतलब? मतलब कि हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी दोस्त मैरी की घर आज पार्टी है, भूल गए ना? अंबर, मुझे ऐसी कैथरिंग्स में जाने का बिल्कुल कोई शौक नहीं, और मैं बहुत बोर होता हूँ, वैसे भी आज मैं थका हुआ हूँ। हारिफ, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मुझे इनकार पसंद है। गो एंड गेट रेडी। ये तुम बात किस तरह कर रही हो मुझसे? मैं वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, डोंट स्पॉइल माय मूड। मैंने तुम्हें 10 दफा समझाया अंबर कि मुझे इन कंडीशंस में मत फंसाया करो। मैं हमेशा तुम्हारी गैदरिंग्स में कंपनी देता हूँ ना चाहते हुए भी, और अगर आज मैं थका हुआ हूँ तो प्लीज अंडरस्टैंड। जब तुम्हें मेरी गैदरिंग्स फजूल लगती हैं तो मैं भी फजूल लगती हूँगी, राइट? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम बात को गलत रंग मत दो। गलत? अब मैं गलत भी हूँ? हारे, मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ कि तुम बदल रहे हो। हालांकि तुमने कमिटमेंट की थी कि अब ऐसा नहीं होगा, राइट? मैं अपनी कमिटमेंट पे कायम हूँ, मगर तुम भूल जाती हो। ओके फाइन, सारी गलती मेरी है, मैं ही गलत हूँ ना? तुम्हें नहीं जाना है ना, तो मत जाओ, लेकिन मैं जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी दोस्त से कमिटमेंट की है। तो हारे भी चाहिए था ना, अब सजा भुगतो। इतने अच्छे भले लड़के तुम्हारे पीछे पागल थे, लेकिन तुम्हें तो बस हारे भी चाहिए था। मॉम 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 मॉम, हारे अच्छा है, बस पता नहीं उसे कभी कभार क्या हो जाता है, इतना कंजर्वेटिव बिहेव करता है, बस मुझे उसी से इरिटेशन है, दैट्स इट। देखो बच्चा, इन सब स्टैंडर्ड लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि इनको हर बात बार बार याद करानी पड़ती है, और तो ये तभी उस पर अमल करते हैं। मेरा ख्याल है कि हारिफ के मामले में भी तुम्हें यही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सूनर और लेटर वो ऐसा हो जाएगा जैसा तुम चाहती हो। आई होप सो डैड। वैसे हारिफ को लेकर मैं भी कुछ कंसर्न हूं, क्योंकि ऑफिस में भी वो अपना काम सही नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि उसके साथ कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से उसका बिहेवियर भी चेंज हुआ है। यस डॉक्टर हेल, ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका आपके सिग्नेचर चाहिए। या श्योर, आप बैठे प्लीज। थैंक यू। This one also? Yeah. There you go. Thank you so much. Miss Imani, एक मिनट, आप कहाँ जा रही? मैं कोई काम था तो बताएं। नहीं, काम तो नहीं, आप जल्दी में जाने लगे। एक्चुअली मेरी एक अजीब सी आदत है, मुझसे अकेले चाय नहीं पीता। जी माइंड? सीमान, हाँ, कहाँ खो गई आप? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मैं चाय ऑर्डर कर दूँ? हाँ, श्योर। ओके, मेरे रूम में 2 चाय भिजवा। और इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं कर लिया था मैंने। सो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा डॉक्टर है, दुखी इंसान की खिदमत करके दिल को जैसे सुकून सा मिल जाए।
ये ठीक है ना? हाँ? ये या ओके कॉफी थैंक यू कॉफी थैंक यू और उस दिन रूड बिहेवियर के लिए सॉरी कोई बात तुमने अपने हाथों से इतनी अच्छी कॉफी पिलाई है तो मेरा मूड बेहतर हो गया फिर भी आई थॉट आई शुड से सॉरी ये तो अच्छी बात है अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो तुम्हें पता है जब तुम ऐसे बिहेव करती हो तो बहुत अच्छी लगती है बस गुस्सा थोड़ा कम किया करो ओके फाइन बट शायद मेरी तबीयत में इतनी अग्रेसिवनेस है तुम जानते तो हारिब मैंने कितनी पैम्पर्ड लाइफ गुजारी है इस तरह की सख्तियों की आदत नहीं है मुझे जानता हूँ मैं एनी हाउ अगर कोई मुझसे प्यार से बात करे तो मेरा गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। Okay, fine. शायद मेरी तबीयत में ही कुछ ज्यादा ही अग्रेसिवनेस है।